हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं फाइनली वीडियो बनाने के लिए आ जाई हूँ। कल जैसे कि आप लोगों को पता था कि बारिश माशाल्लाह यहाँ तो वह कालक लग भी गई है। कल जैसे आप लोगों को पता है कि बारिश हुई थी, तो ये देखिए ज़रा हालात क्या है। मैंने मुझे नहीं वैसे आइडिया था कि वर्क प्लेस के क्या हालात होंगे। पता नहीं इतनी ज़्यादा बारिश आई भी नहीं है इवन दो, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा स्टिकी हो गई है ना ज़मीन के साथ, जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने तो सोचा था कि कल संडे है तो आज चारकोल वाला टेक्सचर की वीडियो बनाऊँगी, लेकिन ये तो बहुत बुरी तरह से साथ स्टिक हुआ हुआ है। अब मैं वो दवा पड़ा हुआ है एक पुराना, उसके साथ इसको ना उठा उखाड़ के देखती हूँ। अगर तो ये सही बनता है तो ही इसकी वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये बुरी तरह से साथ स्टिक हुआ हुआ होगा, क्योंकि इतनी बारिश नहीं आई यार कल। लेकिन पता नहीं शायद हवा की वजह से, ये नीचे से ज़ाहरा नीचे से हवा ही नहीं लगी तो फिर वो नीचे से बैठी हो रहा है। मैं इसको, मैंने कहा था ये टकरा के साथ से कराऊंगी, जान अभी तक आया नहीं, तो पता नहीं आएगा। लेकिन भी मैंने वो चलो खुद ही कर लेते हैं। ये देखिए नीचे से बैठा है, क्योंकि ये देखिए भी नीचे से बैठा है, क्योंकि ज़ाहरा नीचे से हवा ही नहीं लगी तो फिर उसने बैठी होना है नीचे से। तो फिर इसलिए इसको मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसको कर दिया तो वीडियो ड्राई डस्टी नहीं बनेगी, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं होगा इसका। ये देखिए वैसे इसका कलर कितना प्यारा आया हुआ है, ऊपर से बारिश की वजह से उसका कलर फेड हुआ हुआ है, लेकिन अंदर से वो चारकोल कलर ही है। अब मैं ज़रा अपने कैमरे को इस डायरेक्शन में, क्योंकि वैसे तो उखड़ ही नहीं सकती हाथ के साथ, इतनी ज़्यादा हार्ड है। तो मैं जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो मैं तवे के साथ यूज़ करूँगी। एक पुराना सा बेस्ट सा दवा था, मैंने मीन इस काम के लिए लगा दिया। इसकी तो वीडियो बहुत छोटी बनेगी, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा तो वेस्ट हुआ हुआ है इधर उधर। तो फिर ज़्यादा से कहूँगी कि जो इसका पेस्ट है उसकी शेप्स बना दें, अगर वो आ गया तो आज कल। अब वैसे ही है ये जुलाई अगस्त के महीने में ना बारिशें काफ़ी होती हैं। देखिए सारा नीचे से गीला है, और मैंने इसकी वीडियो क्या बनानी है, सारा तो जो है वो ज़मीन बहुत सुना पड़ा। हालांकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं थी, पता नहीं बार दफ़ा बारिश होती स्लो है, लेकिन उसका जो दबाव है वो ज़्यादा होता है। तो शायद वैसे देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है, पता लग रहा है चारकोल डाला हुआ है। लेकिन मैं आपके साथ से कहूँगी इसकी शेप्स बना, अभी आता है तो आता भी है या नहीं आता उसको कौन छोटी सी शेप बना दी। चलो जी, हाथ से तो ये हो ही नहीं ना सकता, पटा जा ही नहीं सकता, ये कितना ज़्यादा हार्ड है। अगर सुबह से वैसे इसको फैलाया होता ना तो मेरे हाथ काले सवा हो गए हैं। देखिए ज़रा अभी आगे मैंने इसको हाथ लगाया मसा, अभी सारी शेप्स पे साथ बनाएगा तो यही ज़ाहिर है इसकी वीडियो बनेगी, कि इतने से टेक्सचर की तो क्या ही वीडियो बननी है। अब ये है जिसमें भी मैंने चारकोल मिक्स किया था, ये भी सेम उसी तरह ही है, ये भी सारा स्टिक हुआ पड़ा है ज़मीन के साथ। हाई हाय, इतना जोर मेरे में है नहीं, बस यही बारिश के बाद का नाम होता है। ये शेप्स इतनी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, लेकिन मिस्टेक ये भी काफ़ी बुरी तरह से हुई हुई है ज़मीन के साथ। मैंने कहा चलो मैं जो है वो थोड़ा सा ट्यूटोरियल ही दे देती हूँ कि अगर शेप्स बुरी तरह स्टिक हो गए तो उनको तोड़ने का या क्या तरीका है, क्योंकि हाथ से तो यार ये किसी सूरत नहीं अलग हो सकती। कोई ऐसा स्पैचुला ही होना चाहिए जो इनको ऐसी ज़मीन से ना अलग कर दे, अदरवाइज नहीं है। इस तरह यह है कि शेप इतनी टूटती नहीं है। अब इनको थोड़ा सा उठा देती हूँ ताकि नीचे भी हवा लग जाए, कभी आप लोगों के साथ ऐसा सीन हो जाए कि बारिश के बाद शेप्स बुरी तरह से ज़मीन बोस हो जाए। तो ये मैंने उनको तोड़ने का तरीका आप लोगों को बता दिया, इस तरह से वो बच भी जाती है, टूटती भी नहीं है, और आपका टेक्सचर भी बच जाता है। कि ऑलमोस्ट जो है ना वो रात होने वाली है, 6 बज के और पता नहीं कितना टाइम हो गया था जब मैं आई थी, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा हब्ज़ है, इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही है,
लाभ लोगों की सोच होगी इस कदर, मैं कहती हूँ इस टाइम तो एक भी वीडियो शूट ना हो। और वो सुबह का ही वक्त होता है जब मैं चार चार पाँच पाँच वीडियोस बना लेती हूँ, इस टाइम तो भाई नामुमकिन है वीडियो रिकॉर्ड करना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है भाई। मैं तो कहती हूँ अपनी जहाँ के साथ खिलवाड़ है इस टाइम जो है वीडियो शूट करना। इतनी स्वेटिंग हो रही है मुझे, इतनी स्वेटिंग, बंदा वैसे ही उसका सारा बॉडी का पानी निकल जाए वो गिरा पड़ा हो। इसलिए भाई अल्लाह का शुक्र है मैं तो मॉर्निंग में ही आती होती हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है सुबह के टाइम जल्दी उठना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल ही होता है आवाम मेरे बच्चों के लिए तो। लेकिन ये है भाई कि इस टाइम काम करने का कोई हाल नहीं है बाहर सरासर अपना। अगर तो आपकी कोई मजबूरी है भाई फिर तो आप इस टाइम करो कि सुबह कोई ज़्यादा ही मसला है आप नहीं आ सकते फिर तो चलो आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर आप शौक़ से इस टाइम करो तो भाई वो तो सरासर बेवकूफ़ी है। ये महीना है सावन का, शायद बहुत से लोगों को अंदाज़ा होगा सावन का मौसम किस तरह का होता है। यकीन करें ना हाँ कि निकले ना दो मिनट में बंदा वैसे पसीने पसीने हो जाता है। ये इस तरह का मतलब कि मौसम होता है, इसमें बहुत गर्मी होती है। हालांकि कल बारिश आई है और बारिश के दौरान मौसम कितना ठंडा हो जाता है, लेकिन कल बारिश के दौरान ही इतनी ज़्यादा हैवी गर्मी थी, हवा का पत्ता नहीं हिल रहा था। आज तो चलो फिर ये है ना कि बारिश नहीं आई है इसलिए गर्मी है, कल भी यही हालात थे। और हमें आइडिया है कि आगे दो महीने जो है ना तकरीबन दो महीने जो है वो फुल इस तरह की गंदी गर्मी वाले हैं कि जिसमें बंदा हाल हाल फिर रहा होता है कि हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, वो वाले गर्मी के महीने हैं। पिछले दो महीनों से वैसे बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है, अब ये जो आगे दो महीने हैं ये भी सख्त गर्मी के ही हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हब्स होती है, ऐसे सुफोकेशन, बारिशें होती हैं, बारिशें वो वाली जिसके बाद आपको ज़मीन अपना ब्रास नहीं पा रही होती है बहुत देर इस तरह। मुझे तो अभी सोच के कुछ होता है कि दो महीने इस तरह की गर्मी और बर्दाश्त करें, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है ऐसी गर्मी बर्दाश्त करते हुए। अल्लाह ख्याल करें, गर्मी ने तो अंत मचा दिया इस दफ़ा ज़िंदगी में। मैंने सबसे ज़्यादा गर्मी ना अपने लेवल की गर्मी है ये, वैसे काम फिजान के करने वाला था, मेरी बुरी हड्डियों के करने वाला नहीं था। पता नहीं मेरी आवाज़ आ गई या क्या हो रही है, नहीं आ रही मैं नहीं जा रही। देखो सारा ज़मीन जो होगा ये सारी चीज़ सारा चेक किया था उसमें तो नेक्स्ट जो है वो नहीं बताई हुई बारिश वगैरह, लेकिन हम लोगों को पता है कि जब बारिश नहीं आना है तब कुछ नहीं आ ही जाना है। इवन दो कल बारिश आई है ना, कल वेदर में कहीं फोरकास्टिंग में नहीं बताई हुई थी लेकिन फिर भी आ गई, तो बेस्ट ही है। तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता है यार, ये देखिए ज़्यादा गर्मी है बिल्कुल। अब इसकी भी देखिए क्या इसकी वीडियो बननी है, चार शेप फसान निकली हैं, बाकी सारा पेस्ट बनाना। देखिए अब मैं फसान से कहूँगी कि उसकी शेप्स बना दे, ज़ाहिर है फिर ही इसकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, ऐसे तो कोई हाल ही नहीं है। मैं अभी बाकी के और अभी मैंने एक दो तीन चार पाँच टेक्चर्स जब उस तरह ज़मीन से अलग किए हैं, अभी मैं बाकी के भी कर लूँ। ठीक है, अभी मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, उसके बाद देखूँगी अगर मेरे में हिम्मत हुई तो वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि यार बहुत गर्मी है अल्लाह की कसम जितना कह रहे हो ना उतनी ज़्यादा गर्मी है। खैर मैं जल्दी से बाकी की भी शेप्स जो है वो ज़मीन से अलग कर लूँ इससे पहले कि मैं यहाँ पर मरी पड़ी हूँ इतनी गर्मी में। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जाके ब्लॉग एडिट करेंगे और वीडियोज़ अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।